हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी 8:25 हो गया है, मैं तैयार हूँ। एक्चुअली आज हमारे स्कूल से मैसेज आया था कि जो 12-14 ईयर एज है उनका आज वैक्सीनेशन है, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी। एंड टाइम है 9 AM to 12 PM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी फटाफट जाऊंगी एंड आगे क्या हुआ मैं बताऊंगी। एंड उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन के पहले आप लोगों को खाली पेट नहीं रहना है, खा के पी के अच्छे से आना है। एंड जब वैक्सीन ले जाओगे 30 मिनट उधर बैठोगे, पानी पियोगे, ग्लूकोज पियोगे, एंड उसके बाद धूप में डायरेक्टली कहीं नहीं जाओगे। एंड हम वही करेंगे। एंड ये जो वैक्सीन है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड मैं आपको आगे बताते रहूँगी। 24 उन्होंने बोला कि 24 घंटे तक अगर वैक्सीन के बाद आप अच्छे से रह गए तो आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताते रहूँगी। अगर आप भी वैक्सीनेटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। अगर नहीं भी हो तो इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है आप सब। मैं यही डिटेल्स में आप सबको मैं बताऊँगी एंड उससे से रिलेटेड आज व्लॉग भी कर लूँगी। मैं तभी तो स्कूल में सूट नहीं कर सकती, बट आपको तभी मेरा जितना पीक उठाऊंगी आपको वैक्सीनेशन क्यों दिखा सकती हूँ, तो इसलिए आगे बने रहना। सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ दर्द नहीं होता है, मीन्स आप लोग को झुकेगा भी नहीं जब वो इंजेक्शन देंगे। एंड ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसे घुसा लेंगे कब निकाल देंगे, इसलिए मैं भी वही चीज़ आज देखूँ कि वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं। एंड उन्होंने सिर्फ बोला है कि आप जिस ये हाथ पर ये आर्म पर लोगे बस ये वाला पार्ट, ये वाला थोड़ा सा ऐसे उठा नहीं पाओगे, बट और कुछ नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा हाथ दर्द होगा एक दिन के लिए, बस इतना ही। बट फिर भी मैं बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज एवरी वन बॉडी इज़ डिफरेंट। एंड अगर आप अच्छे से खा के पी के रहोगे एंड पानी बहुत ज़्यादा पियोगे वैक्सीन के पहले वैक्सीन के बाद, तो कुछ भी नहीं होगा, बट हाथ थोड़ा दर्द होगा, कंपल्सरी है। बट ये कंपल्सरी सबके लिए भी नहीं है, बट फिर भी आप अपने हाथ को अगर प्रेशर नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड आप लोगों को सूरज पर बाहर धूप पर एक दिन के लिए अच्छे नहीं जाना है, उसके बाद जाना है। एंड आप लोगों को अगर बुखार भी अगर आ गया तो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल ले सकते हो, नॉर्मल होता है। बट आप बट ये बुखार इसीलिए होते हैं आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू है, आप उससे भी वैक्सीन ले गए तो ऐसा होता है, इसलिए मेक श्योर यू आर हेल्दी। एंड आप हेल्दी रहने के लिए आपको लोगों को पानी बहुत ज़्यादा पीना है विथ हेल्दी फूड। एंड ये अंधेरे की वजह से मेरी आँख कैसे दिख रही है डरावना टाइप, इसलिए डोंट वरी, ये थोड़ा सा हाँ अभी ठीक है। एंड वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, जो कि हमने पहले ही रजिस्टर कर लिया था। आई थिंक कि हमें जल्दी जाना चाहिए बिकॉज धूप ज़्यादा हो जाएगा तो तकलीफ होगी। एंड मैं अपने साथ वाटर बॉटल भी कैरी करके ले जाऊँगी, तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। एंड स्कूल में अगर मैं सूट नहीं कर पाई, बट स्कूल में मेरे साथ जो जो भी हुआ आप लोगों को मैं वो व्लॉग में बता दूँगी बिना क्लिप के, बट ज़रूर आप लोगों को सब डिटेल्स दूँगी। सब लोग मुझे बोल रहे थे बहुत दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही है, सिर्फ शॉर्ट वीडियो, तो आई थिंक ये वाला अच्छा होगा इतने दिन बाद। सबसे पहले बता दूँ ये फर्स्ट डोज मेरा है एंड सेकेंड डोज की डेट वो आगे बताएंगे। एंड उन्होंने बोला कि अगर आप फर्स्ट डोज ले जाओगे तो सेकेंड डोज आराम से आप लोगों को ड्यू डेट पर मिल जाएगा, तो इसीलिए। एंड अभी दिल्ली में एक कोरोना का फोर्थ वेव ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को सतर्क रहना है। वैसे पुराने मास्क सैनिटाइजर सब कैरी करके लेना है जब बाहर जाते हैं, और घर में अच्छे से हाथ धोकर खाना पीना है, बिकॉज आई होप कि ना हो, बट फिर भी हम सेफ्टी रहेंगे बिकॉज दिल्ली तक आ गया और स्टेट में तो जल्दी आ जाएगा ना, इसलिए स्टे सेफ। एंड आगे मैं अपने स्कूल न्यू डिटेल्स अकेडेमिक सब आपको डिटेल्स में बताऊँगी एंड समर वैकेशन के बारे में, इसलिए बने रहना। ये वीडियो व्लॉग होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल भी होगा बिकॉज मैं सारे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए इधर भर भर के दूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं अभी जाती हूँ, उसके बाद क्या होता है मैं आगे आके बताऊँगी।
3 hours later. So yeah guys, finally मैंने वैक्सीन ले लिया है एंड एक्चुअली वैक्सीन लेके आते आते 3-4 घंटे लग गए. आप बोलोगे क्यों? एक्चुअली मैं जिस जगह पर रहती हूँ उससे हमारा स्कूल 1 घंटा लगता है, तो इसीलिए मैंने गया था 9 बजे, सॉरी 8:30 बजे करीब, हाँ गई थी मैं. एंड मैं पहुँचते वक्त 9:30 हो गया, 1 घंटा लग गया. एंड हाँ तब मैं तब वैक्सीन लेकर आ गई. एंड लास्ट 2 घंटे आप बोलोगे तो 10 बजे मुझे 11 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, बट मैं 11:30 बजे घर को पहुँची. एक्चुअली फर्स्ट 2 घंटे थोड़ा शॉपिंग में चला गया, कुछ स्टडी की चीज़ मुझे लाना था इसलिए. एंड नेक्स्ट मैं यूनिफॉर्म के लिए गई थी, बट उन्होंने बोला कि उनके स्टॉक शॉप पर गर्ल्स लोगों के लिए नहीं है, वो कंप्लीट हो गया है और वो मेल्स 15 के बाद आएगा. एंड स्कूल में भी हमारी यूनिफॉर्म अभी तक स्टिच नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने नहीं लाया, सिर्फ बॉयज़ लोगों की थी तो मेरा तो नहीं था, इसीलिए मैं चली आई. तो बस यही है. एंड हमारा तो अभी तक वैकेशन की कोई नोटिस भी नहीं आई है, या 6 बजे से 9 बजे क्लास हो गया होगा कि कैसे होगा ये सब मुझे पता नहीं है, बट जब भी हमारा नोटिस आएगा, डिटेल्स आएगा सबके बारे में, मैं आपको अपडेट देते रहूँगी ब्लॉग में. फ़िलहाल के लिए तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्या होगा, बट फ़िलहाल के लिए जो अभी हमारा चल रहा है वो बता देती हूँ. हमारा 8:30 से 11:30 बजे तक क्लास होता है, तो जो लोग पास में रहते हैं लोकल बच्चे, तो वो आराम से 7 बजे बस पर बैठ जाते हैं या तो 7:30 बजे, बट हमारा थोड़ा सा डेस्टिनेशन दूर है इसीलिए हमें 6:30 बजे बस में जाना पड़ता है, बट बस कभी कभी लेट हो जाता है, 7:00 बज जाता है, इसीलिए हम असेंबली अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते हैं. आई होप आगे अच्छा होगा. एक्चुअली वी हैव टू एडजस्ट एज ये सब टेम्प्ररी हो रहा है, बहुत दिनों बाद स्कूल खोला है तो बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा. एंड फिलहाल के लिए मैं वैक्सीन के बारे में बता देती हूँ. उन्होंने सबसे पहले आधार कार्ड पूछा, तो हमने आधार कार्ड नहीं लिया था बट हमने फ़ोन में उसे रखा था, तो हमने उस पर फोटो दिखा लिया तो ले गए. एंड नेक्स्ट हमारा वो फ़ोन नंबर पूछे, वो फ़ोन नंबर पर ओ टी पी में वो क्या करेंगे ना, मैं वैक्सीनेटेड हो गई हूँ उसका सर्टिफिकेट भेजेंगे. एंड यस, कल तो संडे है इसलिए रेस्ट मिल गया, वैक्सीन ली हूँ. फ़िलहाल के लिए बता दूँ मुझे इतना सा भी पेन नहीं हो रहा था, मैं बस ऐसा वैसा मुंह बना रही थी, अगर लगेगी हर्ट होगी तो, बट सबने बोला कि वो कुछ भी नहीं है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब अंदर घुस जाएंगे कब बाहर निकाल लेंगे. तो ये पहली बार मैंने एक ऐसा इंजेक्शन लिया जिसमें मैं रोई नहीं हूँ, मीन्स आई डोंट नो उसके पहले मैं जितना ली भी थी वो दुखता है या नहीं, बट फिर भी मेरा आदत होता है कि रो, आई थिंक ये सबका होता है, बट फिर भी आज मैंने हिम्मत दिखाई एंड नहीं रोई या चिल्लाई. ओके, एंड ईयर पियर्सिंग में जैसे ही मैंने ब्रेव दिखाई थी वैसे ही मैंने इस वाले वैक्सीन में दिखाई हूँ. एंड वो मेरे लेफ्ट हैंड पर इस जगह पर दिए हैं, इसलिए थोड़ा हाथ में ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाथ का नॉर्मल पेन होगा, उसे कोई दर्द ज़रूरत नहीं है, ये 2 दिन ऐसा होगा. एंड आप लोगों को वैक्सीन लेने के बाद 1-2 दिन कुछ ठंडे ठंडे चीज़ नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, घर के चीज़ खाना है. 2 दिन बाद आप जो कर सकते हो, अगर फीवर भी आ गया तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो, बट अगर आपको फीवर नहीं चाहिए, आप अच्छे से उसका बिना साइड इफ़ेक्ट में रहना चाहते हो, तो आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा, बाहर की चीज़ जो दो दिन के लिए अवॉइड करना होगा. एंड जैसे कि जूस वगैरह पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं समर में, ये नहीं कर सकते हैं अभी 2 दिन के लिए. आई थिंक 2 दिन मीन्स आज और कल, मंडे से मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ. बस इतना सा बताना था. एंड मुझे बहुत ही टायर्ड हो रही है, ट्रैवल करके आई हूँ.
मैंने मैं सोच रही थी कि अभी व्लॉग एंड कर लूँ, बट मैंने सोचा कि आज शाम तक ही मैं व्लॉग एंड कर लूँगी या रात तक। आई थिंक कि मुझे आज पूरे दिन में मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ वैक्सीनेशन के बाद, तो आप लोगों को बताना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लिया और डर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्पफुल मिल जाएगा। एंड या मैं कुछ चीज़ खरीद कर लाई हूँ, वो मैं आगे बताऊँगी। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून। बच गया है 20। Hey guys, good evening. So now the time is 6:15 PM and जैसे कि 6:15 हो गया है तो actually good evening भी हो गया है। एंड आप देख सकते हो कि मैं आप लोगों को अपडेट देते जा रही थी कि आज क्या मेरे साथ होने वाला है। वैक्सीन ली हूँ एंड जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको डर रहता है कि कैसा रहेगा उनका वैक्सीन देने के बाद एंड देने के वक्त, तो इसलिए मैं ये बनाई हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग ले गए हैं, बट जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं ये वाला 12-14 ईयर एज ग्रुप का या 14-18 ईयर एज ग्रुप का, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत काम में आने वाला है। एंड उन लोग एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको 11 ईयर से आपको 12 ईयर होने में 2-3 महीने बाकी है तो आप लोग वेट कर लो, जब आपको 2-3 महीने के बाद आप 12 ईयर की ले सकते हो। एंड मुझे 12 ईयर के पहले जो बच्चे होते हैं उनके वैक्सीन के बारे में मुझे पता नहीं है। मीन्स मैं सुनी थी कि न्यूज़ में आ रहा था कि 2-12 ईयर्स के बच्चे लोगों का भी जल्द आ जाएगा, तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो भी कर सकते हो। बिकॉज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बच्चा हमारे क्लास का गया था, मीन्स हमारे क्लास का नहीं 7th क्लास का अलग सेक्शन का, तो उसको 12 ईयर्स होने में 3-4 दिन बाकी थे। मीन्स और भी 15 दिन के बाद उसको 12 ईयर होना था। बर्थडे डेट उसका बर्थ अपडेट 2010 था, तो इसीलिए उन्होंने उसे लौटा दिया, बोला कि एक दिन की भी डिफरेंस हो तो ख़राब है। आप लोगों को 12 ईयर्स शार्प होना चाहिए या तो 12 ईयर्स बाद होना चाहिए। तो मेरा तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 12 ईयर्स हो गया है एंड इस साल मीन्स दिस ईयर अक्टूबर को मुझे 13 होगा। एंड मेरे बाल इधर उधर हो गए हैं बिकॉज आज मैं थोड़ा सा 1 घंटे पूरा सो गई थी, नींद मुझे आ गया। ऐसे तो जनरली स्कूल ओपन हो गया है तो मुझे नींद बहुत आता है, मैं टायर्ड होकर आती हूँ ट्रैवल करके बस से, वैसे सो जाती हूँ दोपहर में 1 घंटे, बट आज भी थोड़ा नींद आ गई बिकॉज सुबह मैंने 3-4 घंटे घूमी थी, ट्रैवल की थी, तो उसके बाद मैं अभी उठी हूँ एंड अभी विंडो के पास खड़ी हूँ। विंडो के पास थोड़ा अच्छा अच्छा हवा हो रहा है एंड अभी तो छत पर नहीं जाने का मूड हो रहा है, अभी मम्मी भी बिजी है इसीलिए मैं इधर खड़ी हूँ। एंड अभी एसी में मैं आ गई बिकॉज एसी में मैं बैठी थी 1/2 घंटे से, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग गया इसलिए मैं इधर आ गई, इधर हवा में खड़ी हो गई। एंड एक्चुअली उन्होंने ये भी बोला है कि आपको गर्मी की जगह में ज़्यादा नहीं रहना है, आप लोगों को ठंडे ठंडे जगह पर रहना है। बिकॉज़ ये जो मैं जिस पॉइंट पर हाथ का ली हूँ वैक्सीन
वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मीन्स एक घंटे घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद उसका दर्द बढ़ता ही जाता है। एंड मेरे भी जो एक दोस्त ली थी वो भी बोल रही थी कि वैसा थोड़ा थोड़ा होगा, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एंड आप लोगों का भी अगर ऐसा कभी हो गया वैक्सीन लेने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप एक टॉवल पर, थोड़ा सा ठंडा टॉवल पर आइस पैक करके उसे ऐसे 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 नॉर्मली ऐसे पैट ड्राई करने की तरह उसे कर लो, ठंडे ठंडा लगेगा, अच्छा है। एंड इस जगह को आप लोगों को ज़्यादा रगड़ मत लेना है, उन्होंने मना किया है उस जगह को ऐसे टच करने को बार बार। एंड ये पेन एक दो दिन में चला जाएगा, सो डोंट वरी। एंड आप लोगों को एक दो दिन तक, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग व्लॉग में बोला था कि कुछ ठंडा फंडा चीज़ नहीं खाना है, आप एक दो दिन बाद जो चाहिए वो कर सकते हो, नहीं तो फीवर आ जाता है। इसीलिए मैं अच्छे से रही हूँ अभी तक, आई थिंक 8 घंटे कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरे मम्मी भी मुझे बार बार चेक कर रही थी, पहली बार ली हूँ ये, फर्स्ट डोज है मेरा, कहीं फीवर वीवर ना आ गया, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। एंड स्पेशली आप लोगों को स्ट्रेस फ्री रहना है, अगर आप बार बार सोचोगे मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो ज़रूर हो जाएगा, इसीलिए सोचो कि कुछ नहीं होगा। एंड हाँ, आप इस टाइम पर थोड़ा भूल गए थे बोलना, अभी याद आ गया। हाँ, आप इस टाइम पर क्या कर सकते हो ना, आप इस टाइम पर दूध वगैरह पी सकते हो। एंड बिकॉज वैक्सीन लेने के बाद दूध पीने से कुछ नहीं होगा, आप शाम को लीजिए। अभी तो गर्मी हो रहा है, आप बोलो कि गरम गरम दूध कैसे पियेंगे, तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगी दूध पीने का। सबसे पहले तो तरीका होता है, आप दूध को बॉईल कर लो एंड उसमें चीनी फीनी डाल दो, हल्दी फल्दी अवॉइड करो गर्मी के सीज़न पे, नहीं तो बॉडी गर्म हो जाता है, ज़्यादा बॉडी गर्म होने से भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए आप दूध को ऐसे नॉर्मली बॉईल कर लो एंड उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दो। एंड जब ठंडा हो जाएगा उसे पी सकते हो, या तो आप उसे सेक करके पी सकते हो, बनाना थोड़ा सा डाल के, बनाना मिल्क सेक, हमारे कुकी का फेवरेट, आर्मी कैन ओनली अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो हाँ, मैं आप लोगों को आफ्टरनून के व्लॉगिंग के टाइम पर कुछ बोल रही थी ना, आप लोगों को मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ वो दिखाऊंगी, तो हाँ अभी मैं दिखा देती हूँ। एंड अभी इवनिंग प्रेयर भी कंप्लीट हो गया है एंड अभी 6:40 भी हो गया है, तो चलो मैं फटाफट दिखा भी देती हूँ। टन टना, तो आप देख सकते हो, टाडा,
ये मैं क्या लाई हूँ आप तो देख के पता लगा सकते हो, ये ब्लैक बोर्ड में लाई हूँ। एंड इसमें जो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसके ऊपर रैप करके हम लाए हैं उस सेलो टेप, वो ख़राब ना हो जाए जब मैं सेटअप करके लगाऊंगी। आज पापा लगाएंगे रात को आते वक्त, रात को आने के बाद तो वो वाला हम सील खोल लेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ऐसे देख लो, एंड जब मैं सेटअप करके जब भी लगाऊंगी मैं आपको ज़रूर किसी ना किसी माध्यम में, किसी ना किसी वीडियो में डालकर ज़रूर दिखा लूँगी। एंड ये आगे, एंड ये वाला आप देख सकते हो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे वाइट बोर्ड है, मीन्स ये वाला वाइट बोर्ड है एंड उसके पीछे वो ब्लैक बोर्ड है। एंड मैं मार्कर भी लाई हूँ, चॉक मेरे पास घर में था इसीलिए नहीं लाई, मार्कर्स मैंने डिफरेंट कलर का मैं लाई हूँ एंड एक डस्टर भी लाई हूँ, तो मैं वो भी आपको दिखा लेती हूँ। सो ये इज़ डिस्मिस डस्टर एंड ये दोनों वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड के लिए है। एंड ये वाइट बोर्ड्स के मार्कर है जो इरेजेबल है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये वाला ब्लू का लाई हूँ, ग्रीन का लाई हूँ, रेड का लाई हूँ एंड ये दो ब्लैक लाई हूँ एक एक्स्ट्रा पर्पजेस के लिए। एंड यस, ये डॉम्स और आर्ट लाइन कंपनी का है, ये दो बॉल पेन लाई हूँ। तो बस मैं उतना चीज़ ही लाई हूँ और कुछ नहीं लाई हूँ। बट आते वक्त मैंने एक लस्सी पी ली एंड ये लस्सी ठंडे में नहीं जाता है, ये एक जूस टाइप का होता है, अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए, तो मैं वो पी। एंड उसके बाद मैं कुछ घर के लिए सामान लाई छोटा मोटा खाने के लिए, हल्दी वगैरह, बस इतना ही शॉपिंग वॉपिंग हुआ था और तो कुछ नहीं कर पाई। एंड यूनिफॉर्म के लिए भी मैंने जाई थी बट उन लोगों ने बोला कि गर्ल्स लोगों के लिए स्टॉक कंप्लीट हो गया है एंड हमारे स्कूल में तो स्टिच नहीं करवाए हैं। आई थिंक मैंने ये वाला बताया था अभी आफ्टरनून के टाइम पर व्लॉगिंग करते वक्त, पर फिर भी बता दी, तो चलो कोई बात नहीं। बुक्स कॉपीज़ के लिए भी गई थी बट अभी तक हमारे स्कूल में नोटिस नहीं आया था इसलिए मैं आज नहीं लाई। अभी सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एंड और क्या बता रही थी, हाँ और बता रही थी और शॉपिंग वगैरह न्यू एकेडमिक ईयर की वो पहले ही ओवर हो चुका है एंड रेगुलर क्लासेस होगा एंड समर वैकेशन की कोई तो अपडेट नहीं आया है बट जब भी आएगा मैं ब्लॉग बनाऊँगी। बहुत गर्मी हो रही है, 40 डिग्री के बाद है, मीन्स 43 डिग्री के आसपास कभी कभी हो जाता है एंड उसमें भी स्कूल। एंड 6 बजे से 9 बजे अगर होगा भी अगर हमारा, तो 5 बजे मीन्स 4, 4:30 बजे उठना मुझे पड़ेगा बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ उस पर जो 20 बच्चे जाते हैं, 30 बच्चे जाते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। हाय क्यूटी, तो अभी बज गया है 7:30 PM ऑफकोर्स एंड अभी मेरा खाना वाना मिल्क विल्क सब ख़त्म हो गया है एंड यस। एंड अभी थोड़ा पेन धीरे धीरे गायब हो रहा है एंड अगर भी नहीं होता तो मैं आइस पैक लगाती बट हो रहा है, शुक्र है। थोड़ी अभी मैं टीवी शो देख रही हूँ एंड कल तो संडे है, थोड़ा रेस्ट मिलेगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब लाइक्स और कमेंट करने में 1 सेकंड तो लगती है विद फ्री, तो देर किस बात की, बस ये छोटा सा अगर सब्सक्राइब बटन रेड है ना, प्लीज़ मेरे दोस्त इसे थोड़ा सा टैप कर लो। टैप करने में क्या जाता है, कर तो लो, करो, मैं बोल रही हूँ करो करो। एंड लाइक जो ऐसा है वो क्लिक करके देखो, मैजिक हो जाएगा। एंड कमेंट तो ऐसा करोगे ही, मुझे कमेंट पढ़ने में आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है एंड आप देखो कि मेरे वीडियो में हर किसी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, इसलिए बेझिझक करते रहिए। एंड शेयर तो आप सबको करना ज़रूर करना प्लीज़। एंड आप लोग मेरे कॉमेडी वीडियो देखो, मेरे आई बटन को जाके, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो देखते रहो, बोर मत होना। बस इतना ही मुझे बोलना था, इतना सा तो कर सकते हो ना मेरे लिए। एंड
हम बहुत जल्दी ही 300 फैमिली की होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए 300 प्लस फैमिली क्रॉस करने के लिए। इट्स रियली मैटर अ लॉट। हे गाइस, तो थोड़ा सा नींद जैसा हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तब मैं ब्लॉग करके एक पार्ट गया, तब टाइम था 7:30 या 7:30 बजे तब मैं दिखा रही थी। एंड अभी बज गया है 9 बजे, बहुत देर की गैप भी हो गई है। एंड एक्चुअली डिनर अभी मैं करूँगी, आज बहुत नींद जैसा लग रही है, इसीलिए डिनर करके मैं सो जाऊँगी। एंड पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि आपका अगर शाम तक कुछ नहीं होगा तो आगे भी कुछ नहीं होगा, 24 आवर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए अच्छा है कुछ नहीं हुआ। तो मेरा तो आई एम फीलिंग वेरी लक्की एंड हैप्पी दैट नो साइड इफेक्ट। एंड उसके पीछे भी मैंने बहुत सारा हेल्दी वेजिटेबल्स खाया था, दूध पिया था, हाइड्रेटेड रहा था, तो ये सब करा था एंड माइंड फ्री रखी थी। एंड मैं सोच रही थी हाँ कुछ नहीं होगा, अगर मैं बार बार सोचती ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो एक टेंशन के फॉर्म में हो ही जाता। मैं रुक रुक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट एंड अभी थोड़ा सा सपोर्ट कर लो एंड बहुत सारा प्यार दे दो। एंड अभी मैं खाऊंगी तब सो जाऊंगी एंड आई थिंक ये टाइम है व्लॉग एंड करने का, तो मैं आगे आप लोगों को मिलती रहूंगी। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, AW। एंड हाँ एक सेकेंड, लक्की को तो नहीं भूल गए, वो मेरे नानी के घर में है, बहुत जल्द मैं उसके पास जाऊंगी, बस छुट्टी चाहिए स्कूल की, तो उसके बाद मैं ज़रूर उससे मिलने के लिए जाऊंगी। एंड मेरे नाना नानी के पास भी बहुत दिन हो गया नहीं गई हूँ। एंड लक्की को भी अगर मिस कर रहे हो, मेरे चैनल को जाके, प्लेलिस्ट को जाके, लक्की का मैं सारा वीडियो प्लेलिस्ट वहाँ रखी हूँ, देखो। एंड लक्की आप लोगों को बहुत मिस कर रहा है।